गुड आफ्टरनून दोस्तों, जय माता जी, राम राम, सीताराम। तो आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, मैं आज दूसरा पार्ट डालने वाला हूँ जो कल बाकी रह गया था। और दोस्तों, वहाँ पर बारिश हो रही थी इसलिए हम मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं गए थे, तो उसका व्लॉग तो नहीं आ पाया, तो इसलिए माफ़ कर देना मुझे। तो अभी दूसरा पार्ट में डालने वाला हूँ अभी, तो वो भी पूरा देख लेना। और आपको बता दूँ कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर थोड़ी बारिश आई थी, जितने हमारे छत के ऊपर से पानी नीचे आया उतनी ही बारिश आई थी कुछ देर पहले। तो उसका भी व्लॉग कल या परसों आएगा, तो आप वो भी देख लेना। तो चलिए दोस्तों, अभी बैक कैमरा करके दिखाता हूँ कितनी बारिश आई थी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर पतरे का पानी खड्डे में पहुँच गया है, उतनी बारिश आई थी, आप देख ही सकते हैं। रास्ते में थोड़ा थोड़ा पानी आया था और खड्डे में भी थोड़ा गया है, तो आप देख सकते हैं अभी उस तरफ बारिश हो रही है। अभी वहाँ पर तो थोड़ी कम होगी और उस तरफ तो बहुत ही ज़्यादा होगी, क्योंकि उस तरफ तो बहुत ही काला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मूँगफली में खड्डे भर गए हैं कहीं कहीं जगह पर, तो उतनी बारिश आई थी, तो बड़े बड़े छींटे गिर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, अब आप आगे वो व्लॉग देख लीजिए। आफ्टरनून दोस्तों, तो अभी हम इस होटल बन रही तो यहाँ पर खाने के लिए बैठे थे और पानी भरने के लिए आए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी भर रहे हैं अभी। और दोस्तों, अभी आपको कुछ नया चीज़ दिखाता हूँ, जो कि नई नए बर्ड्स है यहाँ पर, चिड़िया भी है। तो चलिए दोस्तों, आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बर्ड्स है, वो आप देख ही सकते हैं। और दूसरे भी नए नए बहुत सारे हैं अंदर, तो वो भी दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कितने सारे बर्ड्स है यहाँ पर। ये बर्ड्स मैंने पहली बार देखे है अपनी ज़िंदगी में, तो आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे है, आप देख ही सकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर पंछी है, और ये दो चिड़िया तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, अब इसकी थोड़ी फ़ोटो खींच लेते हैं थंबनेल बनाने के लिए, फिर मिलता हूँ आपसे। और दोस्तों, आज ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाया मैं, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो रही थी। तो चलिए दोस्तों, इसकी एक दो फोटो खींच लेते हैं। पर कुआं भी है और कुएं में पानी भी थोड़ा गहरा है, तो पानी भरने के लिए आए थे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर पकोड़े बन रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम पकोड़े बना रहे हैं अभी। तो यहाँ पर होटल बन रही थी, तो यहाँ पर खाली जगह थी, तो हम यहाँ पर खाने के लिए बैठ गए हैं और पकोड़े बना रहे हैं अभी। तो इसको शायद हिंदी में पकोड़े ही बोलते हैं, हम तो इसको गुजराती में भजिया कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बन रहे हैं अभी। और दोस्तों, मैं बता दूं कि वहाँ मंदिर में कहीं पर जगह नहीं थी खाने के लिए बैठने के लिए, क्योंकि बारिश हो रही थी सभी जगह पर, इसलिए हम वहाँ से निकल गए थे। और यहाँ पर होटल बन रही थी और खाली जगह दिखी, तो हम यहाँ पर खाने के लिए बैठ गए हैं। तो अभी यहाँ पर पकोड़े बन रहे हैं। और दोस्तों, ये मूंगफली का ऑयल है, उसमें पकौड़े बना रहे हैं।
इस ट्रैवल व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, तो इतना ही था। तो वहाँ पर बारिश हो रही थी इसलिए ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाया था मैं। तो चलिए दोस्तों, अब 17 तारीख के वीडियो में कमेंट्स आए हैं, उसके कमेंट करने वाले का नाम बोल देते हैं जल्दी जल्दी, वरना वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कमेंट्स के नाम बोलते थे जल्दी जल्दी। माई ब्लॉग्स अंजना थानकी एंड फैमिली गुजराती व्लॉगर, ऑक्स मार्केट, लाइव विलेज लाइफ विथ जॉइंट फैमिली MR व्लॉग, गुजरात एजुकेशन, अश्विन दास, NDK कथाट, भवानी खेड़ा। तो ये नाम ठीक से नहीं पढ़ पाया, तो आप थोड़ा हिंदी में लिख देना। तो इंडियन विलेज लाइफ विथ ब्रिजेश शर्मा, बिलास व्लॉग ओडिया, नेम गयल चौंजिन, फूड फेवरेट जादव दिलीप, सेजल एंजल एजे व्लॉग, फूड ब्लॉगर प्रिया, AK ब्रिक स्टार गुजराती मेर फैमिली व्लॉग्स, रामाराम आर्ट्स 11, नीता पटेल, विलेज लाइफ ऑफ मुरलीधर फार्म, दक्षिल किशोर ब्लॉगर, कुजू राहुल बी मकवाना व्लॉग, मनोज मोढवाड़िया, किशोर वटकिया, इंडियन विलेज लाइफ विथ ब्रिजेश शर्मा, JP ब्लॉग्स, आहिर सेजल एंजल फिर से कमेंट आ गई, ब्लॉग्स विद GV, जयेश डाबी, रामाराम आर्ट्स 11, ये भी कमेंट्स फिर से आ गई है। और लास्ट है लाइव विलेज लाइफ विथ जॉइंट फैमिली MR ब्लॉग्स। तो दोस्तों, अगले वीडियो में इतनी ही कमेंट्स थी। तो और दोस्तों, मेरे वीडियो में लाइक से ज़्यादा कमेंट ज़्यादा आती, तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो आज का व्लॉग कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल एक और न्यू व्लॉग में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।